हेलो फ्रेंड्स, आओ कंफ्यूजन दूर करें सीरीज का नेक्स्ट सेशन। सो दोस्तों, आज का जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है कि शियर स्ट्रेस का साइन कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आइए दोस्तों आज इस कंफ्यूजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कई बुक्स में, कई एजुकेटर्स के नोट्स में, वो शियर के इस वाले साइन को पॉजिटिव बोलते हैं और शियर के इस वाले साइन को नेगेटिव बोलते हैं। आखिर ये डिसाइड कैसे होता है, कब मैं नेगेटिव लूं कब मैं पॉजिटिव लूं? तो दोस्तों आज इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आज के बाद कभी जीवन में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सामने, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेस एलिमेंट है, ये हमारा स्ट्रेस का एलिमेंट हमने मान लिया, ओके, तो स्ट्रेस के एलिमेंट को बेटा जनरली हम क्यूब मानते हैं ना, या क्यूब वर्ड मानते हैं। आप अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर डिटेल वीडियो देखिएगा, फिलहाल अभी हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, ये हमारा एक मैंने स्ट्रेस एलिमेंट मान लिया। अब इस स्ट्रेस एलिमेंट में बेटा ये क्या है, क्यूब माना है मैंने। इस क्यूब के टोटल कितने फेस है, सिक्स फेसेस हैं। ठीक है, ए बी सी डी, हम वी ऑल नो सिक्स फेसेस होते हैं। ठीक है, अब इन सिक्स फेसेस में सी कर बोली, तीन फेसेस कहलाते हैं पॉजिटिव फेस और तीन फेस कहलाते हैं नेगेटिव फेसेस। ठीक है, जो कि मैंने यहां समझाया हुआ है। देखो तीन पॉजिटिव फेसेस हैं, कौन कौन से बताता हूं बेटा, ध्यान देना। तीन पॉजिटिव फेसेस है, कौन कौन सा, ए बी सी डी, ए बी एफ ई एंड ए डी एच ई। ओके, ये देखो ए बी सी डी, ये वाला ए बी एफ ई, ऊपर वाला ए बी एफ ई और ए डी एच ई, ए डी एच ई, इन फेसेस को जरा ध्यान से देखो। अगर आप थोड़ा दिमाग रख रहे हैं तो ये जो फेसेस मैंने तीन बताए हैं, तीन पॉजिटिव फेस, ये वो फेसेस हैं जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस को कट कर रहा है और जेड एक्सिस को कट कर रहा है। चेक करो, ए बी सी डी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, चेक करो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ए बी एफ ई वाई एक्सिस को कट कर रहा है, चेक करो, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और इधर ए डी एच ई, ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है, चेक करो जेड एक्सिस को कट कर रहा है, कर रहा है। तो जो फेसेस एक्स वाई और जेड एक्सिस को कट कर रहे हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव फेसेस। ओके, अब वो फेसेस जो ओरिजिन को टच कर रहे हैं, ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, चेक करो तीन फेसेस जो मैंने अभी बताया आपको पॉजिटिव वाले, वो ओरिजिन को टच नहीं कर रहे, चेक कर लो। ए बी सी डी जो फेस है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ए बी सी डी फेस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सिमिलरली ए बी एफ ई वाई को और ये जेड को कट कर रहा है। क्या ये ओरिजिन को टच कर रहे हैं, क्या ये ओरिजिन को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन बाकी के बचे जो तीन फेस हैं वो ओरिजिन को टच कर रहे हैं, तो जो बचे हुए तीन फेस हैं जो ओरिजिन को टच करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव फेस। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फेस। तो चेक कर लो बेटा ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, चेक करो ये पीछे वाला फेस, ये वाला पीछे वाला फेस, क्या ये पीछे वाला फेस ओरिजिन को टच कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, चेक करो पीछे वाला फेस, यानी कि जेड एक्सिस को जो कट कर रहा है उसके जस्ट पीछे वाला फेस ओरिजिन को टच कर रहा है। अब डी सी जी एच, डी सी जी एच, ये सबसे नीचे वाला फेस हो गया बॉटम वाला, ये भी हमारे ओरिजिन को टच कर रहा है। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि वी हैव थ्री पॉजिटिव फेसेस एंड थ्री नेगेटिव फेसेस। पर इतना आपको याद रखना कि कौन सा फेस हमारा पॉजिटिव और कौन सा फेस नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन देखना सबको आता है, डायरेक्शन देखना सबको आता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पॉजिटिव एक्स बोलूंगा, जनरली इसमें आ रहा हूं पॉजिटिव वाई बोलूंगा, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्स। और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव वाई। क्लियर है? सिमिलरली मैंने जेड एक्सिस ये माना हुआ, अगर मैं इधर आऊंगा तो पॉजिटिव जेड बोलूंगा, उधर जाऊंगा तो अगर मैं ऐसे करके इधर जाता तो नेगेटिव जेड बोलता। क्लियर है? तो डायरेक्शन देखना तो बेटा हमको आता ही है। अब बेटा कहीं मत जाओ, दसवीं आठ सातवीं आठवीं क्लास का गणित, तो गणित मैथमेटिक्स क्या सीखा हम लोगों ने मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स हमने सीखा था, याद करो मैथमेटिक्स हमने सीखा था कि प्लस का, अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होगा तो प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होगा प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा माइनस आएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होगा माइनस आएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो प्लस आएगा। पता है ना ये वाली बात, पता है ना ये वाली बात, सेम बस खत्म खत्म। तो बेटा पांचवीं क्लास की गणित है ये, पांचवीं क्लास की मैथमेटिक्स है। तो अगर आपका फेस पॉजिटिव है और डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन लेना आपको, पॉजिटिव साइन। ओके, अगर फेस पॉजिटिव है डायरेक्शन नेगेटिव है तो बेटा कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा। तो मतलब इस तरह से ट्रिक बता रहा हूं आपको, मैं ये कोई मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स जिस तरह हम करते हैं बिल्कुल सिमिलर मैनर में। ठीक है, इधर आ जाओ, नेगेटिव अगर फेस है पॉजिटिव अगर डायरेक्शन है तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फेस है और नेगेटिव डायरेक्शन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बस इस फंडे को याद करो बेटा, किस्सा खत्म, किस्सा खत्म, कोई बचा ही नहीं, बस इतना याद रखना है। फेस पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होगी, फेस पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव, नेगेटिव शियर स्ट्रेस होगी,
फेज नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव शेयर होगी, है ना, और फेज नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव शेयर होगी। इस तरह से बेटा याद करना चाहिए आपको, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल के लिए इसको देख लो फटाफट से, ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये रहा आपका एग्जाम्पल बेटा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दो जरा इस एग्जाम्पल को, ध्यान दो, देखो जल्दी से बेटा ये कौन सा फेज है, चेक करो कौन सा फेज है, पॉजिटिव फेज, डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव शेयर कहलाएगा, बात खत्म, एक ही से साइन पता चल गया हमें, अगर इसका साइन पॉजिटिव है सबका साइन पॉजिटिव कहलाएगा, माइंड इट प्लीज। तो ये क्या है, कौन सा फेज है बेटा, क्लियरली दिख रहा, अभी पढ़ाया था मैंने, पॉजिटिव फेज है क्योंकि पॉजिटिव वाई को कट कर रहा है, ठीक है, वाई को कट कर रहा है, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, डायरेक्शन चेक करो, ये डायरेक्शन किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही, पॉजिटिव एक्स जा रही, बिल्कुल जारी करो सर, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स जा रही है बेटा तो पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या बन गया, पॉजिटिव शेयर, इधर आओ, ये कैसा फेज है, पॉजिटिव फेज है, बिल्कुल है, कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव वाई, क्या हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नीचे चेक करो इसको, कैसा फेज है, ये नेगेटिव फेज है, ये वाला फेज नेगेटिव है, डायरेक्शन किधर जा रही चेक करो, नेगेटिव वाई, सॉरी नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव फेज, नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इधर आओ, ये कैसा फेज है बेटा, नेगेटिव फेज है, चेक कर लो, ये नेगेटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है, कैसा फेज है वाला, ये नेगेटिव, 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 नेगेटिव फेज, और किधर जा रही है, नेगेटिव वाई में जा रही है, तो नेगेटिव फेज, नेगेटिव डायरेक्शन क्या बनी, पॉजिटिव। तो इस तरह के शेयर के साइन को क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस, क्या बोलूंगा बेटा, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस। आ रही बेटा बात समझ में, आ रही बेटा बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे देखो एक और एग्जांपल, देखो जल्दी से देखो, आप पॉजिटिव फेज, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन क्यों है ये, क्यों है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव जेड है, ये किधर जा रही है बेटा, नेगेटिव एक्स में जा रही है, तो पॉजिटिव फेज, नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन क्या आया, नेगेटिव शेयर कहलाएगी। इधर आ जाओ बेटा, कैसा फेज है, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई में जा रही है, कैसा कहलाएगा, नेगेटिव स्ट्रेस कहलाएगा। इधर आओ, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव वाई, क्या हो गया, नेगेटिव। कुल मिला के इस वाले शेयर के साइन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो ये तो हो गया बेटा शेयर का साइन। अब सुनो, इसी सेम 3D जो हमारा एलिमेंट, आप देख रहे हो 3D एलिमेंट है ये, इसको हम 3D एलिमेंट बोलते हैं, जो कि बेसिकली यूज होता है हमारी 3-dimensional स्टेट ऑफ स्ट्रेस में। किसमें यूज होता है, 3-dimensional स्टेट ऑफ स्ट्रेस में। लेकिन जब हम प्लेन स्ट्रेस की बात करते हैं, जब हम प्लेन स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी 2D की बात करते हैं, तो बेटा इसी चीज को ध्यान देना, इसी चीज को ध्यान देना। लेट से ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इमेजिन करते हैं। तो इतने फेस को पकड़ के यहां उठा के देख लो, कहां, ये रहा, क्या बन गया, ये इसी का 2D फिगर है, बस कुछ नहीं है, ये इसी का 2D फिगर। अब 99% केसेस में हम 2D पढ़ते हैं, 3D के केस हम कम पढ़ते हैं, ठीक है, 2D ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो सुनो बेटा, मतलब हमारे जो गेट वेट के क्वेश्चंस हैं या हमारे वैसे जनरल क्वेश्चन आते हैं, मतलब PSUs वगैरह में 2D में आते हैं। तो बेटा इसी चीज को जब मैं ऐसे इमेजिन करो कि मैं यहां से क्या ले रहा हूं, प्रोजेक्शन ले रहा हूं, तो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा, ये रहा, मतलब स्क्वायर दिखेगा, दिखेगा यही स्क्वायर को एज इट इज उठा के 2D में बना दिया, कुछ और नहीं, ये पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी, मतलब इसी का हमने ये वाला फेस ले लिया, प्लेन ले लिया, ये 3D बॉडी है, ये प्लेनर बॉडी है, प्लेन ले लिया हमने, प्लेन है कि नहीं है, इसी को 2D स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोल देते हैं। तो इसी स्ट्रेस को क्या नाम दूंगा मैं, नेगेटिव शेयर, क्या बोलूंगा, नेगेटिव शेयर। क्यों, चेक करो, अब देखो 2D एलिमेंट देखना सीखो, 3D एलिमेंट सिखाते हैं, 2D एलिमेंट देखना सीखो, 2D एलिमेंट कुछ और नहीं है, 2D एलिमेंट इसी 3D एलिमेंट का एक फेज है बस, ये रहा। अब बेटा रिमेंबर ऑलवेज, मान के चलना जब भी इस तरह का 2D एलिमेंट आपको दे दे, तो ये फेज क्या बनेगा, ये वाला, ये पॉजिटिव फेज होगा, ये कौन सा फेज होगा, पॉजिटिव फेज होगा, ये कौन सा फेज होगा, नेगेटिव फेज होगा, ये कौन सा होगा, नेगेटिव फेज होगा। तो चेक करो, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, नेगेटिव फेज, ध्यान दो, तो पॉजिटिव फेज में नेगेटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव फेज में नेगेटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस, नेगेटिव फेज में पॉजिटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस, नेगेटिव फेज में पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस। समझ में आ गया, तो ये हमारा कैसा स्ट्रेस कहलाएगा, ये हमारा नेगेटिव शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इधर आ जाओ बेटा, कैसा फेज है, पॉजिटिव, कैसा फेज है, पॉजिटिव, चेक करो, पॉजिटिव फेज है, ये इसी को 2D में देख रहे हैं हम लोग, इसी चीज को 2D में देख रहे हैं। तो ये क्या पॉजिटिव फेज है कि नहीं वाला, ये इसी को दिखा रहा हूं मैं, ये कौन सा फेज है, ये पॉजिटिव फेज है कि नहीं, बिल्कुल है, इधर आओ, ये 2D में जब देखूंगा तो ये नेगेटिव फेज है कि नहीं, ये वाला नेगेटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है, ये रहा, ठीक है, ये नेगेटिव फेज है। ओके, सिमिलरली नीचे वाला बेस वाला, ये नेगेटिव फेज है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये नेगेटिव फेज है। ओके, अब ध्यान दो बेटा, सबकी निगाह सामने 2D में देखो, पॉजिटिव फेज पॉजिटिव वाई में जा रहा है, चेक करो, पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव फेज पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव फेज है ये, और नेगेटिव ही डायरेक्शन में जा रहा है, चेक करो, एरो का एरो डायरेक्शन बताता है, एरो किधर जा रहा है, नीचे मतलब नेगेटिव वाई, यानी कि नेगेटिव, कैसी स्ट्रेस है, नेगेटिव फेज नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव फेज नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव, नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो बेटा कैसी स्ट्रेस कहलाएगी, ये
पॉजिटिव शीयर स्ट्रेस। तो समझ में आ गया बेटा, दिस इज हाउ वी डिसाइड द साइन ऑफ शीयर स्ट्रेस। अब ये चीज आपकी हेल्प करेगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल स्ट्रेस के चैप्टर में, जहां पे आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो इस साइन कन्वेंशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये एक पंडा, तो जो भी मैंने भी आपको सिखाया है ये आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अब सुनो काम की बात, कई बार डायरेक्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भैया पॉजिटिव शेयर कब है नेगेटिव शेयर कब है, तो आपको अगर ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बताना तो आपको दो लाइन बोलनी है। क्या बोलनी है? कि सर अगर शेयर हमारे बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करे, क्या बोले? क्लॉकवाइज, तो वो पॉजिटिव कहलाएगी। अगर वो शेयर हमारे बॉडी को नेगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव शेयर कहलाएगी। एक लाइन में आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान दो, ये हमारा एलिमेंट, हमने इस पर इस तरह से टाउ लगाया, शीयर स्ट्रेस लगाया, खुद ही बताओ बेटा किधर घूमेगा। जब आप ऐसे स्ट्रेस लगाओगे तो ऐसे आगे इधर झुकेगा ना, ये ऐसे करके झुकेगा ना, ऐसे करके कि नहीं झुकेगा? जल्दी बताओ मुझे, ऐसे झुकेगा कि नहीं झुकेगा? झुकेगा। तो कैसा रोटेशन आया बॉडी के अंदर? क्लॉकवाइज। तो ऐसी शीयर जो क्लॉकवाइज रोटेशन देने का प्रयास करती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव शीयर, और ऐसी शीयर जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करती है उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव शीयर। आ रही बेटा बात समझ? तो एक लाइन का आंसर ये भी है, लेकिन ये केवल बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो बेटा यही काम में आएगा, ध्यान रखना जो मैंने सिखाया। न्यूमेरिकल सॉल्विंग केवल और केवल इससे होगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक कंफ्यूजन और आ सकता है आप लोगों को, गौरव सर ये शीयर स्ट्रेस तो ठीक है, साइन समझ में आ गया, ये बताओ गौरव सर कि ये जो चार तीर है ये क्यों लगाए जाते हैं? एक नॉर्मल स्ट्रेस को तो हम केवल एक तीर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट शीयर को चार एरो से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? चार एरो क्यों है? एक दो तीन चार। सो दोस्तों अगेन दिस इज अ कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अभी शीयर का जो साइन मैंने आपको समझा वो समझ जाएगा कि पॉजिटिव कैसे है नेगेटिव कैसे है। ओके, बस याद रखना है क्या? मल्टीप्लीकेशन, पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस का कंसेप्ट याद रखना है, बस दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना बेटा आपको। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात, जो जो कंफ्यूजन आपको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं उनके ऊपर आपके लिए वीडियो बना के ला पाऊं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।